बालानंद ब्रह्मचारी। बालानंद ब्रह्मचारी का जन्म उज्जैन के एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन का नाम था पीताम्बर। घर की वृत्ति थी शास्त्र पाठ और पुरोहित कर्म। शिक्षा ग्रहण करने लायक उम्र हुई तो घर के पास ही स्कूल में दाखिल करा दिया गया, लेकिन नटखट का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगा। पीताम्बर का रुझान तो अध्यात्म की ओर था। बालक पीताम्बर सिप्रा नदी की जलधारा के हर मोड़ पर और गोरखनाथ की गुफाओं में चक्कर लगाता रहा। कभी महाकाल के कुंड में और कभी संदीपनी मुनि के जंगल झाड़ से भरे हुए आश्रम में घूमता रहा। भग्न भुतहे मकानों में, जहां कोई दिन में भी जाने का साहस नहीं करता था, वहां पीताम्बर कई रातें गुजार देता। इस दुस्साहसी और नटखट बालक के भविष्य को लेकर मां नर्मदाबाई बहुत ही चिंतित रहा करती थी। पति की मृत्यु के उपरांत बालक पीताम्बर के लालन पालन की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी। पीताम्बर के पिता की मृत्यु बचपन में ही हो चुकी थी। घर की आर्थिक स्थिति भी कोई अच्छी नहीं थी। कुछ घरों की जजमानी थी और दो एक बीघा जमीन। मां की चिंता यह थी कि पीताम्बर को न तो खेतीबाड़ी से कुछ लेना देना था और न ही जजमानी से कोई सरोकार। जब वो अध्ययन में रुचि नहीं रखता था, शास्त्र आदि का ज्ञान हो ही नहीं रहा था, तो कैसे संभालेगा पिता की विरासत के रूप में मिली जजमानी। मां इसी चिंता में बुरी तरह ग्रस्त थी। इस बात को लेकर मां अक्सर पीताम्बर को डांटती फटकारती रहती। एक दिन मां ने पीताम्बर को डांटते हुए कहा कि जब तुम कुछ नहीं करोगे तो क्या साधु बनोगे। मां की डांट चुपचाप सुन रहे पीताम्बर के मन में एक बात गौंध गई, क्या साधु बनोगे। इस वाक्य का पीताम्बर पर इस कदर जादुई असर पड़ा कि जैसे उसका अंतरलोक प्रकाशित हो गया हो और उसे एक रास्ता मिल गया हो। पूर्व जन्म का सात्विक संस्कार मन में उदित हो उठा और पीताम्बर माता के सामने से ही अचानक गायब हो गया। बालक पीताम्बर ने अपने सारे कपड़े जला दिए, देह में भस्मी पोत कर और एक कौपीन पहनकर मां के सामने उपस्थित हुआ। पीताम्बर ने कहा, मां देखो मैं सचमुच साधु बन गया हूं। पुत्र की यह करतूत देखकर मां को हंसी छूट गई। लेकिन बालक पीताम्बर का यह साधु वेश सिर्फ खेल नहीं था, उसके अंतरलोक की वास्तविक अभिव्यक्ति थी जो उसी दिन आलोकित हो गई थी जिस दिन मां के मुंह से अनायास ही यह वाक्य फूट पड़ा था, क्या साधु बनोगे। इस घटना के कई दिनों बाद बालक पीताम्बर का उपनयन संस्कार हुआ। लेकिन यह क्या, उपनयन संस्कार के 3-4 दिनों के बाद ही पीताम्बर ने हमेशा के लिए घर त्याग दिया। उस समय पीताम्बर की आयु सिर्फ 9 साल की थी। मां की ममता भी उसे बांध नहीं पाई। मां का भविष्य अंधकार में डूब गया। पीताम्बर ही तो उसके जीवन का एकमात्र सहारा था। उज्जैनी नगर के एक उपांत में प्रतिष्ठित द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक महाकाल के विग्रह के समुख मां पुत्र वियोग में व्याकुल हो गई। कई दिनों तक गुहार करती रही। तपोनिष्ठ शुद्धात्मा नर्मदाबाई की गुहार व्यर्थ नहीं गई, लेकिन नर्मदाबाई को लगभग 40 वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। देवघर से कुछ दूर तपोवन पर्वत स्थित है। दिन के आखिरी पहर में इसी पर्वत के शिखर पर खड़ी होकर मां पुकार रही थी, पीताम्बर पीताम्बर तुम कहां हो पीताम्बर। यह पुकार सुनकर एक अधेड़ सन्यासी मां के सामने आ खड़े हुए। चेहरे पर दिव्य आभा, मुखमंडल पर बढ़ी हुई दाढ़ी मूछ और सिर पर विशाल जटाजूट। मां को देखते ही सन्यासी उनके चरणों पर नत हो गया और उसके कंठ से फूट पड़ा, मां। मां ने इस सन्यासी को गले से लगाया और बोली, यही तो मेरा पीताम्बर है।
विख्यात योगी बालानंद ब्रह्मचारी। मां के नेत्रों से खुशी के आंसू ठलक पड़े। मां ने पीताम्बर के लापता होने और योगी बालानंद ब्रह्मचारी के रूप में मिलने के बीच के अंतराल की कहानी यूं सुनाई। ध्यान और शिव अर्चना में उनके दिन एक एक कर बीतते जा रहे थे। एक दिन उन्हें अनुभव हुआ कि उनका अंतिम समय अब ज्यादा दूर नहीं है। मन में आकांक्षा हुई कि अंतिम सांस लेने से पूर्व उनके पुत्र पीताम्बर के दर्शन मिल जाते। एक दिन जब वह शिव जी के चरणों में माथा टेक कर रोती हुई अपनी यह मनोकामना पूर्ण होने की याचना कर रही थी, तो प्रभु ज्योतिर्मय रूप में प्रकट हुए और कहने लगे, बेटी तुम्हारी प्रार्थना शीघ्र पूरी होगी। वैद्यनाथ धाम के समीप तपोवन पहाड़ पर बैठकर तुम्हारा पुत्र पीताम्बर इस समय तपस्यारत है। इस समय उसका नाम है बालानंद। तुम शीघ्र वहां जाओ, खोए हुए पुत्र की प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी। नर्मदा बाई ने अपनी जमीन बेच दी और कुछ तीर्थ यात्रियों के साथ वैद्यनाथ धाम के तपोवन पहाड़ पर गई, तो यह पवित्र दिन आया जब वह अपने पुत्र पीताम्बर से मिल सकी। ममतामयी मां आनंद विभोर थी अपने तपस्वी पुत्र बालानंद से मिलते हुए। नर्मदा बाई ने संकल्प किया था कि यदि उनका खोया हुआ पुत्र उन्हें प्राप्त हो जाएगा तो वह 125,000 बेलपत्रों से देवाधिदेव महादेव की पूजा करेगी। उन्होंने यह बात अपने पुत्र को बताई और बालानंद ने सभी चीजों का प्रबंध कर दिया। पूजा समाप्त होने के कुछ दिनों बाद ही नर्मदा बाई स्वर्ग सिधार गई। 19वीं शताब्दी का दूसरा चरण था जब बालक पीताम्बर बालानंद ब्रह्मचारी के नाम से विख्यात हुए। सिर्फ 9 वर्ष की अवस्था में पीताम्बर जब सारा माया मोह त्याग कर सत्य की तलाश में निकल पड़े थे, तब उन्हें खुद ही नहीं पता था कि उनकी तलाश कब और कैसे पूरी होगी। वे उदासीन भाव से चले जा रहे थे, तभी मार्ग में एक व्यक्ति मिला। उपनयन के समय पीताम्बर को जो स्वर्णाभूषण, कुंडल, वलय, हार आदि दिए गए थे, वे सभी उसके शरीर पर शोभायमान थे। वह व्यक्ति ताड़ गया कि यह बालक घर से भागा हुआ है। पीताम्बर के आभूषणों को देखकर उसके मन में लालच समा गया। उसने कहा, बच्चा तुम्हारे शरीर पर ये आभूषण रहेंगे तो चोर डाकू तुम्हारा पीछा करेंगे। आभूषण पहनकर अकेले जाना ठीक नहीं है, इन्हें हमारे पास छोड़ दो, लौटते समय ले लेना। बालक पीताम्बर ने निर्विकार भाव से सारे स्वर्णाभूषण उस व्यक्ति को सौंप दिए। पीताम्बर आगे बढ़े। मार्ग में एक साधु से भेंट हुई और उसी के साथ लग गए। साधु नर्मदा परिक्रमा का यात्री था। नर्मदा नदी के किनारे किनारे भ्रमण करते हुए पीताम्बर साधु के साथ में गंगोनाथ में ब्रह्मानंद के आश्रम में गए। स्वयंभू लिंग श्री गंगोनाथ जी बड़ौदा से 40 मील दूर स्थित है। इन्हीं के बगल में महायोगी ब्रह्मानंद महाराज ने अपनी कुटिया बना रखी थी। सामने अखंड दीप और अखंड ध्वनि प्रज्वलित हो रही थी। ब्रह्मानंद जी महाराज के पास बैठते ही बालक पीताम्बर की आत्मा जागृत हो उठी और उसने ब्रह्मानंद जी से निवेदन किया कि वे उसे अपनी शरण में ले ले। योगेश्वर ब्रह्मानंद से पीताम्बर का भूत और भविष्य छिपा नहीं रहा। उन्होंने श्रावणी पूर्णिमा के दिन पीताम्बर को दीक्षा दी। इस बीच बालक पीताम्बर ने आसपास के गांवों से भिक्षा मांगकर अन्न आदि संग्रह किया, जिससे उसकी दीक्षा के दिन ग्रामवासियों और नर्मदा परिक्रमा के तीर्थ यात्रियों को भोजन कराया गया। लेकिन आश्रम में भंडारा से पूर्व बालक पीताम्बर चिंतित थे कि उन्हें इतनी भिक्षा कहाँ मिलेगी जिससे ढेर सारे लोगों को भोजन कराया जा सके। पीताम्बर की चिंता का आभास ब्रह्मानंद को हो गया। उन्होंने अपनी भिक्षा झोली की ओर संकेत करते हुए कहा, बच्चा तुम जानते नहीं हो कि मेरी इस झोली के अंदर रिद्धि सिद्धि दोनों है।
सचमुच इस झोली की अलौकिक शक्ति आश्चर्यजनक थी। बहुत से लोगों का विश्वास था कि इस करिश्माई झोली की बदौलत ही आश्रमवासियों और अभ्यागत साधु संतों के भोजन की व्यवस्था होती रहती है। बालक पीताम्बर के मोहक व्यक्तित्व में लोगों को प्रभावित करने की अद्भुत क्षमता थी। लोग खुले दिल से दान देने लगे। पीताम्बर की दीक्षा के दिन भारी भंडारा हुआ। दीक्षोपरांत पीताम्बर बालानंद हो गए। ज्योति मठ के आनंद उपाधिकारी साधु कुल में वह अंतर्भुक्त हुए। दीक्षा ग्रहण के बाद जब बालानंद ने गुरु दक्षिणा के बारे में ब्रह्मानंद जी से पूछा तो वे बोले, वत्स, सदगुरु सब प्रकार की कामना वासना से परे होते हैं। उन्हें तुम कौन सी लौकिक वस्तु देकर प्रसन्न कर सकते हो? जान रखो, प्रकृत गुरु दक्षिणा रिद्धि में नहीं सिद्धि में है। मेरे द्वारा प्रदत्त बीज मंत्र का साधन करके जो सिद्धि तुम प्राप्त करोगे उसे ही तुम मेरे प्रति निवेदन कर देना, मैं उसे संजोकर रखूंगा। यही तुम्हारी वास्तविक गुरु दक्षिणा होगी, इसी से मैं प्रसन्न होऊंगा। इसके बाद शुरू हुई बालानंद की साधना। गंगोनाथ आश्रम में साधु संतों और अतिथियों की सेवा तथा उन्हें अन्नदान का क्रम चलता ही रहता था। साल में वहां एक तो यज्ञानुष्ठान चलते ही रहते थे। दीनहीन लोगों के लिए आश्रम का द्वार हमेशा खुला रहता था। एक बार आश्रम में भंडारा चल रहा था, भोजन समाप्त होने को था, तभी कई सौ अभ्यागत वहां आ पहुंचे। आश्रम के भंडारी उन्हें देखकर घबरा गए और खिचड़ी का गाला तैयार कराने लगे। ब्रह्मानंद महाराज जी को जब इस बात का पता चला तो वे क्रोधित हो उठे। भंडारी को बुला कहा, मुझे लगता है तुम बंगाली का लड़का है, कम खाने वाला, क्यों इतना कम अन्न देते हो? तुम पूरा पूरा दो, कुछ चिंता मत करो। उन्होंने अपने हाथ की मुट्ठी बांधकर दिखाया कि गाला कितना बड़ा होगा। वहां उपस्थित लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही कि महाराज जी के स्पर्श से सभी लोगों के क्षुधा शांत होने के बाद भी प्रचुर मात्रा में खाद्य सामग्री बची रही। दुर्भिक्ष के दिनों में महाराज जी स्वयं अपनी झोली लेकर भिक्षाटन के लिए निकलते थे। सर्वसाधारण के निगाह में महाराज जी की झोली मां अन्नपूर्णा की सिद्ध झोली थी। आसपास के गांव के भूखे लोग महाराज जी के आश्रम में ही भोजन करके अपनी भूख मिटाते थे। कभी कभी महाराज जी हाथ से कौतुक का प्रदर्शन भी करते थे। एक बार वे बड़ौदा रियासत के शासक गायकवाड़ शिवाजी राव के पास गए और हंसी हंसी में राव से पूछा, महाराज, सुना है आपके पास चांदी की तोप है जिसका गोला लगभग एक मील तक निशाना साधता है। गायकवाड़ ने कहा, महाराज जी, आपने ठीक सुना है। इस पर महाराज जी ने कहा, आपका गोला मात्र एक मील तक जाता है और मेरा गोला दस दस कोस तक जाता है, और आपका गोला चांदी की तोप का है जबकि मेरा गोला ही खिचड़ी। वहां उपस्थित लोगों ने जोरदार ठहाका लगाया। बड़ौदा के महारानी यमुना बाई ने एक बार ब्रह्मानंद जी को आमंत्रित किया। ब्रह्मानंद जी अपने शिष्य बालानंद को साथ लेकर चले। मार्ग में एक ग्रामीण मिल गया। वह महाराज जी का दर्शन करके धन्य हुआ, उन्हें घर ले गया और खूब आवाभगत की। चलते समय महाराज जी की झोली में साग सब्जी भर दी। जब महाराज जी महल में पहुंचे तो महारानी ने मजाक किया, आज हम लोगों को ढेर सारी चीजें खाने को मिलेगी। बोलिए, क्या चाहिए? महाराज जी ने पूछा। अंगूर, महारानी ने कहा, यद्यपि उस समय अंगूर का मौसम नहीं था। महाराज जी ने तुरंत झोले में से अंगूर का गुच्छा निकालकर महारानी के समक्ष रख दिया। फिर हंसते हुए बोले, माई के लिए अंगूर तो ठीक ही मिल गया। वहां उपस्थित सारे लोग आश्चर्यचकित रह गए। महारानी का भक्ति भाव और उमड़ आया।
पूरे क्षेत्र में ब्रह्मानंद जी के अलौकिक कार्यों की चर्चाएं सुनने को मिलती थी। बालानंद जी गंगोनाथ आश्रम में 7-8 माह रहने के बाद नर्मदा की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। इस यात्रा के दौरान उनकी भेंट गौरीशंकर महाराज से हुई। वे हर वर्ष नर्मदा परिक्रमा पर निकलते थे और उनकी योग सिद्धि समय समय पर प्रकट होती थी। साथ साथ तमाम शिष्य चलते रहते थे, भंडारा होता रहता था, रिद्धि सिद्धि का चमत्कार देखने को मिलता रहता था। दियताम भुज्यताम शब्द से नर्मदा तट गुंजित होता रहता था। योग ब्रह्मानंद के साथ घनिष्ठ मैत्री थी। जब उन्हें पता चला कि बालानंद ब्रह्मानंद के शिष्य हैं तो बहुत स्नेह के साथ आश्रय दिया। गौरीशंकर महाराज के साथ बालानंद ने 7-8 वर्ष बिताए क्योंकि वह उनके शिक्षा शिष्य थे। इसके बाद बालानंद कई वर्षों तक देश के सभी तीर्थ स्थलों और अन्य स्थानों का भ्रमण करते रहे। बीच बीच में वे गुरु ब्रह्मानंद का दर्शन करते रहे। यह सिलसिला ब्रह्मानंद के महाप्रयाण तक चलता रहा। कष्टसाध्य नर्मदा परिक्रमा करते हुए एक दिन बालानंद जी मंडला पहुंचे। उनके साथ एक उदासी साधु थे। दोनों के हाथ में एक एक माला और वस्त्रों आदि जरूरी वस्तुओं की गठरी थी। उन दिनों उस अंचल में चोरों डकैतों की बाढ़ थी। कमिश्नर साहब स्वयं तहकीकात के लिए आए हुए थे। अपने बंगले के पास जब उन्होंने दो नवयुवक साधुओं को देखा तो पकड़वा मंगाया। छानबीन के दौरान साधुओं की झोली में खंतियां और कुठार पाए गए। कमिश्नर साहब गुस्से से तमतमाते हुए बोले, अब साबित हो गया कि तुम्ही लोग सेंध मारी और चोरी डकैती करते हो। बालानंद ने समझाया, साहब इन खंतियों से हम कंदमूल मिट्टी से खोद कर निकालते हैं और कुठार का प्रयोग झोपड़ियां बनाने में करते हैं। लेकिन कमिश्नर के आदेश पर इन लोगों की गठरी की तलाशी होती रही। छानबीन में गांजा और विष भी मिल गया। कमिश्नर साहब गरजे, तुम लोग केवल चोरी डकैती ही नहीं करते, लोगों को विष खिलाकर हत्याएं भी करते हो। तुम लोगों को 3-3 साल की कैद की सजा दी जाएगी। बालानंद ने समझाने की कोशिश की, गांजा और विष साधुओं के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं, इससे साधु लोग जाड़े से बचाव करते हैं। इस पर कमिश्नर ने आदेश दिया, तो विष हमारे सामने खाकर दिखाओ। बालानंद की गांठ में विष बंधा था। उन्होंने गांठ खोली और सारी विष एक ही बार में खा गए। बालानंद ने सोचा, अब मृत्यु अनिवार्य है। कमिश्नर के चंगुल से मुक्त होने के बाद उनके बंगले के बाहर बैठकर वे अपने साथ के साधुओं से कहने लगे, मेरे कंठ सूख रहे हैं, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, जल्द ही मेरा देहांत हो जाएगा। तुम लोगों से अनुरोध है कि प्राण त्यागने के बाद इस शरीर को नर्मदा में प्रवाहित कर देना। बालानंद का बाह्य ज्ञान लुप्त होने लगा, लेकिन उस समय उनके अंतर में नर्मदा मां की ज्योतिर्मयी मूर्ति उद्भासित हो उठी। अभयदान देकर देवी क्षण भर में अंतर्ध्यान हो गई। कुछ ही क्षणों बाद उनका चेतना शून्य शरीर पृथ्वी पर लौट गया। इसी समय कमिश्नर साहब के युवा बेटे की मृत्यु हो गई। वह कुछ देर पूर्व ही शिकार से लौटकर चाय पी रहा था कि अचानक उल्टियां होने लगी। इससे पहले कि डॉक्टर पहुंचते उसके प्राण पखेरु उड़ गए। कमिश्नर के पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर एक सज्जन उनसे मिलने आए। बंगले के बाहर एक साधु को अचेत पड़ा हुआ देखा तो उनका माथा ठनका। पूछने पर पता चला कि कमिश्नर के आदेश पर विष खाने के बाद इनकी ऐसी दशा हुई थी। उक्त सज्जन ने कमिश्नर को समझाया, सर्वत्यागी साधु को इस प्रकार कष्ट देकर आपने अच्छा नहीं किया, चिकित्सा द्वारा इन्हें स्वस्थ करके शीघ्र छोड़ दीजिए।
बालानंद की चिकित्सा हुई, वे स्वस्थ हो गए। कई दिनों तक उक्त सज्जन के यहां रहने के बाद पुनः नर्मदा परिक्रमा के लिए निकल पड़े। नर्मदा परिक्रमा के दौरान बालानंद दैवी शक्ति के नाना प्रकाश से प्रकाशित हुए। इससे उनका साधक जीवन काफी प्रभावित हुआ। एक बार बालानंद जी कई साधुओं के साथ नर्मदा के तटवर्ती जंगल में जा रहे थे। धीरे धीरे अंधकार घिरता आ रहा था। शरीर थककर चूर हो गया था, भूख प्यास से बेहाल थे। उन्होंने देखा कि एक भीलनी गाय के साथ एक वृक्ष के नीचे खड़ी थी। बालानंद जी उसके पास गए और बोले, माई, हम भूख प्यास से बेहाल हैं। हमने इसी वृक्ष के नीचे रात गुजारने का निश्चय किया है। तुम अपने गांव से हमारे लिए खाने पीने की कोई सामग्री लाओ, ताकि हमारी क्षुधा शांत हो। भीलनी ने हंसते हुए कहा, बेटे चिंता मत करो, हमारी इस गाय के दूध से तुम सभी लोगों की भूख शांत हो जाएगी। तुम लोग बर्तन लेकर खड़े हो जाओ, मैं एक एक कर सभी लोगों के बर्तन में दूध भर देती हूं। भीलनी ने सभी साधुओं के तूंबे भर दिए। सभी ने भरपेट दूध पिया। जब सभी लोगों ने दूध पी लिया, तब भीलनी अपनी गाय के साथ जंगल में गायब हो गई। इससे सभी साधुओं को हैरत हुई। सब इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भीलनी कोई साधारण महिला नहीं थी, साक्षात नर्मदा माँ थी। अपनी परिक्रमा काल के दौरान बालानंद महाराज कई बार नर्मदा माँ के अलौकिक आविर्भाव का प्रत्यक्ष दर्शन किया। देवी के वरदहस्त ने एकाधिक बार उनकी प्राण रक्षा की। एक बार बालानंद जी कामाख्या तीर्थ में पहुंचे। कामाख्या देवी का दर्शन करने के बाद कई दिनों तक पहाड़ के ऊपर साधना में व्यतीत किया। इसके बाद आसपास के क्षेत्रों में भ्रमण करने के दौरान हैजे की बीमारी से पीड़ित हो गए। शरीर बिल्कुल अशक्त हो गया। परमात्मा में ध्यान लगाकर निश्चल पड़े रहे। इसी बीच उनके समक्ष दिव्य कुमारी मूर्ति प्रकट हुई और कहने लगी, गोसाई तुम चिंता मत करो, तुम मरोगे नहीं, किंतु शीघ्र यहां से चले जाओ। देवी अंतर्धान हो गई और बालानंद जी गाढ़ी नींद में सो गए। दूसरे दिन नींद टूटी तो उन्होंने स्वयं एकदम स्वस्थ पाया, लेकिन दुर्बल काफी थे। किसी तरह उठते बैठते समीप के कुएं पर पहुंचे। वहां उपस्थित लोगों ने बालानंद के सिर पर जल डाला। वे शीतल हुए, भूख से व्याकुल थे, पर किसी का दिया हुआ अन्न खा नहीं सकते थे। एक व्यक्ति ने दया करके उन्हीं के लोटे में खिचड़ी चढ़ा दी। खिचड़ी पक जाने पर उन्होंने अपने हाथ से उतारा और भूख मिटाई। कामाख्या से लौटकर बालानंद जी तारकेश्वर गए। एक बार जब वे हुगली जिला का भ्रमण कर रहे थे, तभी उन्हें ज्ञात हुआ कि जलेश्वर में एक जागृत एवं प्राचीन शिवलिंग है, जिसे जलेश्वर शिव के नाम से जाना जाता है। जंगल का रास्ता तय करके जब वे जलेश्वर शिव के पास पहुंचे तो रात हो चुकी थी। उन्होंने देखा कि जलधरी के ऊपर अर्धहस्त परिणाम का एक शिवलिंग विराजमान है। उसके ऊपर पास में ही कुछ ऊंचाई पर पंचमुंडी का आसन है। मंदिर से सटे कुएं पर हाथ पांव धोकर बालानंद जी ने मंदिर में प्रवेश किया, जब ध्यान में लीन हो गए। इस बीच उन्हें एक विचित्र अनुभव हुआ। उन्हें ऐसा लगा जैसे मंदिर के चारों ओर की दीवारों के बीच दबते जा रहे हैं। शून्य में हाहाकार करती हुई एक अदृश्य शक्ति मानो बवंडर उठा रही है। सहसा एक देववाणी सुनाई पड़ी, अरे तुम पंचमुंडी आसन पर अघोर मंत्र का जाप करो। बालानंद जी ने जब प्रारंभ किया, जब करते करते भोर हो गई, फिर सुबह मंदिर से बाहर आए। एक बार बालानंद जी उत्तराखंड के भ्रमण पर थे। इस बीच एक अद्भुत प्रकार के आकाशचारी साधु से उनकी भेंट हुई। बालानंद जी के शिष्य श्री हेमचंद्र बंदोपाध्याय ने इसका वर्णन इस प्रकार किया है,
कांगड़ा उपत्यका के माघसूत स्थान में जाकर गुरुदेव कुछ दिनों तक गोमती स्वामी के निकट वास कर रहे थे। वहां दोनों अपने अपने आसन पर बैठे हुए थे, जबकि एक महात्मा ने वहां उपस्थित होकर दोनों के दर्शन किए। कुछ देर तक बातचीत के बाद साधु वहां से चले गए। कुछ दूर जाने के बाद वे जय गुरुदेव कहकर ताली पीटने लगे। यह सुनकर गुरुदेव और गोमती स्वामी बाहर आए और उस साधु को देखने लगे। दोनों ने देखा कि वे जय गुरुदेव कहकर ताली पीट रहे हैं। इसी समय उनके दोनों पांव जमीन से कुछ ऊपर उठ रहे हैं। ऐसा करते हुए वे शून्य मार्ग से आकाशगामी होकर एक उच्च पर्वत शिखर की ओर उड़ने लगे और कुछ क्षणों के बाद वहां से अदृश्य हो गए। यह दृश्य देखकर गुरुदेव चमत्कृत हो गए। उक्त महात्मा का परिचय भलीभांति नहीं प्राप्त कर सके, इस बात का उन्हें दुख हुआ। जब अपने आसन पर लौटकर उन्होंने गोमती स्वामी से पूछा तो उन्होंने बताया, इस साधु के बारे में वे स्वयं ज्यादा कुछ नहीं जानते। उन्हें वे नीचे आते और आकाशचारी होते एक दो बार देखा है। ऊपर किस शिखर पर वे वास करते हैं, किस तरह रहते हैं, बीच बीच में नीचे क्यों उतरते हैं, इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं मालूम। उन महात्मा को खेचर सिद्धि प्राप्त थी, जो दो प्रकार से प्राप्त होती है, एक योग के बल से, दूसरे द्रव्य बल से। उन महात्मा ने किस प्रकार यह सिद्धि प्राप्त की यह नहीं मालूम। कालांतर में बालानंद जी एक असामान्य योगी के रूप में ख्यात हुए, उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई। बालानंद ब्रह्मचारी अपने शिष्यों को उपदेश दिया करते थे, मछिका बन जाए, अर्थात जहां जो कुछ अध्यात्म अमृत का संचय देखो वहां से अपने भंडार को समृद्ध कर लो। अध्यात्म मार्ग के इस आदर्श का उन्होंने अपने जीवन में भी पालन किया। बालानंद जी के ऊपर अपने गुरु बालानंद जी और गौरी शंकर महाराज के अलावा भी कई महापुरुषों का प्रभाव पड़ा था। नर्मदा तट पर साधनारत मार्कंडेय महाराज से उन्होंने हठयोग की समस्त दुरूह क्रियाओं का अभ्यास किया था। इसी प्रकार काशी ध्रुवेश्वर मठ के मंडलेश्वर रामगिरी जी से उन्होंने वेदांत के विभिन्न सूक्ष्म तत्वों को अधिगत किया था। उत्तराखंड के त्रियुगी नारायण में वास कर रहे महात्मा मनसागिरी के पास कुछ समय बिताकर बालानंद जी ने नाना निगूढ़ मंत्रों का रहस्य हृदयंगम किया। योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी की कृपा से उनके साधारण जीवन का एक विशिष्ट अध्याय उन्मोचित हो गया था। इसके बाद बालानंद जी का ज्ञान प्रकाश चतुर्दिक फैलने लगा। बहुत से लोग इससे लाभ उठाकर धन्य हुए। इनके सर्वप्रथम शिष्य बने रामचरण बंधोपाध्याय, जिन्हें राम बाबू भी कहते हैं। राम बाबू के शिष्यत्व ग्रहण करने की कथा भी बड़ी रोचक है। बालानंद जी महाराज कमख्या से लौटकर बंगाल के विभिन्न भागों का भ्रमण कर रहे थे। एक दिन वे राणा घाट पहुंचे। रामचरण बाबू वहां के एसडीओ थे। इसी समय वे एक विपत्ति में पड़ गए। राणा घाट के निकट एक ट्रेन दुर्घटना हुई जिसमें काफी लोग हताहत हुए। राम बाबू पर आरोप लगा कि उन्होंने अपने कर्तव्य का ठीक से पालन नहीं किया, उनकी नौकरी खतरे में पड़ गई। रामचरण बाबू की माताजी आध्यात्मिक प्रवृत्ति की थी। एक दिन वह अपने इष्टदेव के चरणों में बैठकर अपने पुत्र के मंगल की कामना कर रही थी, तो उसी समय उनके अंतर में कोई आवाज आई, भय मत करो, एक साधक तुम्हारे घर आए हैं, इस बार विपत्ति के बादल दूर हो जाएंगे। क्षण भर बाद ही उस वृद्धा ने देखा कि एक जटाजूट वाले साधु उनके घर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। भीतर आकर साधु ने रामचरण बाबू से कहा कि मुझे एक बघछाल चाहिए, मुझे ज्ञात हुआ है कि आप एक अच्छे शिकारी हैं, इसलिए आया हूं। साधु के दिव्य रूप को देखकर
राम बाबू आकर्षित हो उठे। एक दो बघछाल उन्होंने साधु को दिखाई, लेकिन उसे कोई बघछाला पसंद नहीं आई। राम बाबू को एक साधारण साक्षात्कार ही साधु का हुआ, लेकिन रात में उस साधु का स्वप्न बार बार आने लगा, जैसे कोई कह रहा हो, अरे इस साधु के द्वारा ही तुम्हारा अभिष्ट सिद्ध होगा, इन्हीं के चरणों का आश्रय ग्रहण करो। रामबाबू बालानंद महाराज जी के शरणागत सपरिवार हुए। रामबाबू और उनकी पत्नी ने बालानंद जी से दीक्षा ली। रामबाबू बालानंद जी के परम शिष्य हो गए। एक बार उनके फोड़े का ऑपरेशन हो रहा था, उन्होंने बेहोशी की दवा नहीं सूंघी, केवल गुरु के चरणों का स्मरण करते रहे। इससे पीड़ा का अनुभव बिल्कुल नहीं हुआ। कुछ समय बाद रामबाबू को महाराज जी का एक पत्र मिला। उस समय वह गिरनार पर्वत पर बैठकर तपस्या में लीन थे। एक दिन जब वे ध्यानावस्थित थे, तभी रामबाबू के फोड़े के ऑपरेशन का दृश्य उनके ध्यान में घूम गया। उन्होंने देखा कि रामबाबू के फोड़े का ऑपरेशन हो रहा है और वह जरा भी पीड़ा का अनुभव नहीं कर रहा है। इसी के बाद उन्होंने रामबाबू को पत्र लिखा, जिसे पाकर वह काफी प्रसन्न हुए। बालानंद जी के एक और प्रिय शिष्य थे दयानिधि। देवघर में महाराज के करवीबाद आश्रम स्थापित होने पर यह शिष्य अपने पुत्र के साथ उसी आश्रम में निवास करने लगे। एक रात उनके पुत्र को एक सांप ने डस लिया, लेकिन दयानिधि जरा भी विचलित नहीं हुए और वे महाराज जी का जप करने लगे। जब वह ध्यानावस्था में थे, तभी उन्हें एक अलौकिक दृश्य दिखाई पड़ा। उन्होंने देखा कि यमदूत की तरह कतिपय विकराल मूर्तियां आश्रम में प्रवेश करना चाह रही है और बालानंद महाराज हाथ में त्रिशूल लिए उन्हें भगा रहे हैं। दयानिधि का पुत्र सर्पदंश से आश्चर्यजनक रूप से बच गया। देवघर के समीप बालानंद जी तपोवन पहाड़ पर घोर तपस्या कर रहे थे। एक दिन वे गुफा के अंदर बैठे थे, जब ध्यानावस्था से बाहर आए और उनकी आंखें खुली तो देखा कि एक विशाल सर्प फन उठाए उनके सामने है। उसके मुंह में मनुष्य की मूंछ की तरह लंबे लंबे बाल थे। महाराज जी के मन में आया कि यह साधारण सर्प नहीं हो सकता, सर्प के रूप में कोई महात्मा उनकी परीक्षा ले रहे हैं। महाराज ने त्राटक मुद्रा का अवलंबन करते हुए सर्प की दृष्टि के साथ अपनी दृष्टि निबद्ध कर ली। ऐसा करते ही सर्प ने अपना फन संकुचित कर लिया और गुफा से बाहर चला गया। एक दूसरी अलौकिक घटना इस प्रकार है। महाराज जी धोनी के पास रात में लेटे हुए थे, वे कंबल ओढ़े हुए थे। भोर में उन्हें महसूस हुआ कि किसी ने उनके पांव पर से कंबल खींचकर फेंक दिया है। उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कंबल धोनी के समीप पड़ा हुआ है। इसी समय उन्होंने देखा कि कोई उनके सामने खड़े होकर पहाड़ के ऊपर चलने का इशारा कर रहा है। महाराज ऊपर चलने लगे, चलते चलते गुफा तक जा पहुंचे। गुफा में दिन में ताला लगा दिया गया था, लेकिन वहां जाकर देखा कि गुफा का द्वार खुला हुआ है। जो उन्हें बुलाकर ले गया था वह गुफा में प्रवेश करने लगा। पीछे पीछे महाराज जी भी गुफा में प्रविष्ट हुए। गुफा में अंधकार था। महाराज जी अपनी माचिस टटोल रहे थे, तभी गुफा में प्रकाश फैल गया, लेकिन उसे नहीं देखा जा सका जो महाराज जी को लेकर आया था। महाराज जी को चिंता होने लगी कि वे उस समय जागृत हैं या स्वप्नावेश। ऐसा सोचते हुए वे समाधिस्थ हो गए। सुबह होने पर शिष्यों ने उन्हें धोनी के पास नहीं पाया तो ऊपर गुफा में गए। महाराज जी समाधिस्थ थे। उस समय दोपहर का समय था। शिष्यों की आवाज से उनका ध्यान टूटा। तपोवन पर्वत के इस तपोमय जीवन में ही महाराज जी को अपनी मां नर्मदा बाई का दर्शन मिला था। रामबाबू के निधन के उपरांत उनकी धर्मपरायण पत्नी ने
करवीबाद आश्रम स्थापित किया, जिसमें रहकर योगेश्वर बालानंद ब्रह्मचारी ने न जाने कितने लोगों का उद्धार किया। उनके दो सन्यासियों मौजागिरी और पूर्णानंद स्वामी यहां आकर महाराज जी के आश्रम में रहने लगे। कृष्ण बंधोपाध्याय, प्राण गोपाल मुखोपाध्याय प्रभृत भक्तों के आगमन के बाद धीरे धीरे शिक्षित समाज में महाराज जी का प्रभाव बढ़ने लगा। महाराज जी कहते, चारों परीक्षा में जब शिष्य उतरे तभी गुरु उसको पक्का ठहरे। ये चार परीक्षाएं थी घर्षण, तापन, छेदन और ताड़न। शिष्य की परख में महाराज जी एक स्वर्णकार की भूमिका में होते थे। पहले उसे कसौटी पर रगड़कर देखते थे कि यह खरा है या नहीं। फिर तापन, त्याग की बारी आती थी, यानी तितिक्षा की अग्नि परीक्षा द्वारा जाना जाता था कि वह निष्कलुष हुआ है या नहीं। फिर छेदन की प्रक्रिया द्वारा रहा-सहा कलुष साफ कर दिया जाता है। उसके बाद उसे अपने अनुकूल ढालने के लिए हथौड़े की चोट या ताड़न की आवश्यकता होती है। महाराज जी सन्यासी या ब्रह्मचारी के लिए जितनी कठोरता के पक्षपाती थे, उतने ही गृहस्थ के लिए सहज साध्य मार्ग की बात किया करते थे। महाराज जी अपने शिष्यों और भक्तों के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। बालानंद जी महाराज कलकत्ते के बरानगर में कुछ दिनों से रह रहे थे। उनके वास स्थल के पास भक्तों की सदा भीड़ लगी रहती थी। एक दिन महाराज यतीन्द्र मोहन ठाकुर ने अपना प्रतिनिधि भेजकर निवेदन किया कि महाराज जी उनके महल में पधारकर उन्हें कृतार्थ करें। महाराज जी ने परिहास किया, यतीन्द्र मोहन महाराज है, यह मैंने सुना है। इधर बहुत से लोग मुझे भी महाराज कहते हैं। एक महाराज यदि दूसरे महाराज के पास आए तो इसमें निंदा की कौन सी बात होगी। महाराज यतीन्द्र मोहन यदि एक बार स्वयं यहां आते तो अच्छा होता। इसके बाद बालानंद जी ने एक सिद्ध महापुरुष की कहानी भक्त जनों को सुनाई। नगर के राजमार्ग पर एक आसन बिछाकर महात्मा एक दिन बैठे हुए थे। इस समय शोर हुआ कि थोड़ी देर बाद उस अंचल के अधिपति उसी मार्ग से कहीं जाने वाले हैं। महात्मा मार्ग के मध्य में बैठे हुए थे। अग्रगामी सैन्य दल सन्यासी को सावधान किया, यहां नहीं बैठ सकते, राजा आ रहे हैं। साधु ने आंखें खोलकर केवल इतना कहा, राजा को कह दो यहां एक महाराज बैठे हुए हैं। डरते हुए लोगों ने राजा को खबर दी। पालकी से उतरकर राजा उसी क्षण महात्मा की ओर चल पड़े। महात्मा को प्रणाम करने के बाद बोले, सुना है सरकार भी महाराज हैं, किंतु महाराजा की फौज कहां है। फौज की क्या जरूरत, कोई मेरा शत्रु नहीं है, महात्मा ने हंसकर कहा। अच्छी बात है, किंतु खजाना कहां है, राजा का दूसरा सवाल था। कोई खर्च ही नहीं है, फिर खजाने की क्या जरूरत है, मेरे लिए तो स्वदेशा भुवन त्रयम। राजा ने महात्मा के कथन के मर्म को समझा, उन्हें साष्टांग प्रणाम करके मार्ग के एक तरफ से होकर चले गए। महाराज यतीन्द्र सरकार के प्रतिनिधि ने लौटकर यह सारी कहानी महाराज को बता दी। यह सुनकर महाराज लज्जित हुए। इसके बाद वे स्वयं महाराज जी के चरणों में भक्ति भाव से उपस्थित हुए। मेरे जैसे संसारी व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, महाराज ने ब्रह्मचारी जी से प्रश्न किया। नाना प्रकार के बंधनों में फंसे रहकर आध्यात्मिक उन्नति के लिए वे किस मार्ग पर अग्रसर होंगे। महाराज अब आप उलट जाइए, बालानंद जी ने कहा। महाराज जब बालानंद जी की बात का मर्म नहीं समझ पाए तो बालानंद जी ने कहा, महाराज इस समय आपके पास जो कुछ है सब यथावत रहेगा, केवल अपनी बुद्धि और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना होगा।
सब मेरा की जगह, कहना होगा सब तेरा, अर्थात अपने अहम बोध के स्थान पर भगवान को स्थापित करना होगा या बोध त्यागना होगा कि आप मालिक हैं, स्वयं मैनेजर समझना होगा। किसी माई को यदि यह बात समझानी होती तो कहता, माई अब दाई बन जाइए। एक घटना 1906 ईस्वी की है। बालानंद जी गंगोनाथ आश्रम में आए थे। गुरुजी ब्रह्मानंद महाराज जी ने इस समय पूर्ण समारोह के साथ महारुद्र यज्ञ और महामृत्युंजय यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक दिन हंसी में उन्होंने बालानंद जी से कहा, बाला अब मैं इस मर्त शरीर का त्याग करूंगा। यह क्या बात हुई गुरुजी? आप स्वेच्छा से और भी बहुत दिनों तक इस शरीर को धारण किए रह सकते हैं। बालानंद जी ने कहा, और नहीं, यह बहुत पुराना हो गया है। ब्रह्मानंद जी ने कहा, माघ महीने के एक पुण्य दिवस को भोर में महायोगी ब्रह्मानंद महाराज अपनी कुटीर में ध्यानस्थ हुए। उनका ध्यान भंग फिर कभी नहीं हुआ। आश्रम के एक किनारे नर्मदा के तट पर बैठकर बालानंद जी तपस्या में लीन थे। सहसा उन्होंने देखा नर्मदा पुत्र योगीश्वर ब्रह्मानंद जी जिस कुटिया में आसन लगाकर बैठा करते थे वह धू धू करके जल उठा। दूसरे ही क्षण वहां से एक अग्निशिखा उठी और आकाश में जाकर विलीन हो गई। बालानंद जी को यह समझते देर नहीं लगी, योगीश्वर की ज्योति सत्ता हमेशा के लिए देह त्याग करके चली गई। बालानंद जी ब्रह्मानंद जी के प्रथम शिष्य थे। गुरु जी के देह त्याग के बाद वे उनके आश्रम में नहीं रहना चाहते थे। गंगोनाथ की गद्दी ब्रह्मानंद जी उन्हें दे गए थे, लेकिन बालानंद जी ने उसे अपने गुरु भाई केशवानंद जी को सौंप दिया और स्वयं देवघर लौट आए। धीरे धीरे बालानंद जी के शिष्यों की संख्या काफी बढ़ गई। एक समय बालानंद जी अपना करवीबाद आश्रम छोड़कर वैद्यनाथ धाम में वास कर रहे थे। मध्य रात्रि में वे ब्रह्मलीन हो गए। इस प्रकार 9 साल की अवस्था में उज्जैनी के महाकाल ज्योतिर्लिंग के पादपीठ से जो जीवन यात्रा शुरू हुई थी, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की परम सत्ता में विलीन हो गई। अगर आप हमें सहयोग देना चाहते हैं तो चैनल के ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप हमें सहयोग दे सकते हैं, या मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है, आप वहां से भी सहयोग कर सकते हैं। इस चैनल को अपना सहयोग और प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।